नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में 12 लाख से अधिक मतदाताओं की पसंद नोटा, नीट यूजी का रिजल्ट घोषित। बिहार के 4 छात्र ने टॉप 67 में बनाई अपनी जगह। बिहार के 2 सांसदों ने दर्ज किया अपने नाम अनोखा रिकॉर्ड। ऑफर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का तंज। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला आज, प्लेइंग 11 पर होगी सबकी नजर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 12 लाख से अधिक मतदाताओं की पसंद नोटा। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक मतदाताओं की पसंद नोटा रहा। 2019 में बिहार में नोटा को पसंद करने वाले मतदाता 2% रहे थे, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में नोटा को 2.08% वोट बढ़े हैं। नोटा को सबसे कम वोट पाटलिपुत्र से सिर्फ 5,771 वोट मिले, जबकि अब तक के आए आंकड़ों के अनुसार गोपालगंज लोकसभा सीट पर नोटा को सबसे अधिक 42,713 वोट मिले। नीट यूजी का रिजल्ट घोषित। बिहार के 4 छात्र टॉप 67 में शामिल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा मंगलवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं NTA ने टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार बिहार के 4 छात्रों ने देश के 67 टॉपरों के साथ जगह बनाई है। मंजीन मंसूर, तथागत अवतार, ऋतिक राज व अभिनव किशन ने 99.997129% अंक प्राप्त किए हैं। पटना के केशव सौरभ समदर्शी को ऑल इंडिया में 98 रैंक हासिल हुई है। इस बार छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण कट ऑफ काफी ऊपर गया, जिसकी वजह से नीट में 715 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को 98 तो दूसरे छात्र को 286 रैंक प्राप्त हुए हैं। इस साल नीट यूजी के लिए 23.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 10 लाख से अधिक लड़के और 13 लाख से अधिक लड़कियां शामिल थी। आपको बताते चले कि विद्यार्थी अपना नीट यूजी का रिजल्ट वेबसाइट exams.nta.ac.in/neet पर जाकर अपना स्कोर बोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के 2 सांसदों ने दर्ज किया अपने नाम अनोखा रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं बिहार से सांसद निर्वाचित हुए 2 सांसदों ने अपने नाम नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार सांभवी चौधरी ने सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रत्याशी सन्नी हजारे को करीब 1,87,000 वोटों से हराया। तो वहीं सांभवी चौधरी के नाम इस बार के लोकसभा चुनाव में एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सांभवी 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनकर संसद जा रही हैं। 4 जून को उनकी उम्र महज 25 साल 11 महीने और 20 दिन की है, जबकि सबसे कम उम्र के सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज की उम्र 4 जून को 25 साल 3 महीने 3 दिन है। तो वहीं गया के हम के संयोजक और NDA उम्मीदवार जीतन राम मांझी 18वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज सांसद हो गए। उनकी उम्र 89 साल 8 माह के करीब है। गंगा नदी की सूखने लगी धार, बिहार में सूखे की स्थिति। बिहार में तकरीबन हर दूसरे साल बारिश के लिहाज से सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। इस बार सबसे बड़ी चिंता यह है कि राज्य के बीचों बीच बहने वाली सदानीरा गंगा नदी में जल अभाव का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। खास तौर पर पटना में अपने समय का सबसे कम जल स्तर समुद्र सतह से 41 मीटर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में मॉनसून के ड्राई स्पेल भी बढ़े हैं। यह बड़े पर्यावरणीय बदलाव पिछले 10 सालों में अधिक देखे गए हैं। एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए नीतीश तेजस्वी। NDA इंडिया की बैठक आज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, तो वहीं अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आज शाम 4 बजे से NDA गठबंधन की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इन बैठकों में शामिल होने NDA के घटक दल JDU के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री CM नीतीश और इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से रवाना हुए थे, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारे में भी खूब चर्चा हो रही है।
दरअसल कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून के बाद सीएम नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं चुनावी नतीजे आने के बाद सीएम नीतीश की चर्चा भी काफी बढ़ गई है। बता दें कि बिहार में एनडीए को 30 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें शामिल जेडीयू और भाजपा दोनों को ही 12-12 सीटें मिली, जबकि लोजपा ने अपनी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और हम को 1 सीट हासिल हुई। तो वहीं इंडिया गठबंधन को बिहार में 9 सीट पर जीत मिली, जिसमें कांग्रेस को 3 और राजद को 4 और भाकपा माले को 2 सीटें मिली हैं। बिहार से विदेश निर्यात हो रहा मखाना, डाक विभाग ने शुरू की अनोखी पहल। बिहार के पूर्णिया और सीमांचल इलाके के मखाने को विदेश तक पहुंचाने में भारतीय डाक विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। पूर्णिया के प्रधान डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से पूर्णिया, सीमांचल और मिथिलांचल तक प्रसिद्ध मखाना जापान, शिकागो, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में भेजा जा रहा है। इससे मखाना व्यवसायियों को काफी फायदा भी मिल रहा है। कम खर्चे में सुरक्षित तरीके से डाक विभाग द्वारा मखाना को विदेश में निर्यात किया जा रहा है। इसमें कस्टम से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सारी जिम्मेदारी डाक विभाग की होती है। 22.14% वोटों के साथ राजद बिहार में सबसे आगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 30 सीटें हासिल हुई हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में इस बार सबसे आगे लालू यादव की पार्टी राजद रही। राजद को 22.14% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी इस बार वोट प्रतिशत के मामले में बिहार में दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी को 20.52% वोट हासिल हुए। वहीं जेडीयू 18.52% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए महागठबंधन के मुकाबले में 9.05% वोटों से आगे है। एनडीए के सभी दलों को मिलाकर 45.52% वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन को सभी दलों को मिलाकर 36.47% वोट मिले हैं। पटना से हावड़ा जयपुर के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, जाने रूट और टाइमिंग। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और लोग अभी अपने फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों को भीड़ से बचाने के लिए जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। अब इसी क्रम में आसनसोल, झाझा, पटना, डीडीयू, प्रयागराज, आगरा फोर्ट के रास्ते हावड़ा और जयपुर के खातीपुरा के मध्य गाड़ी संख्या 03007 और गाड़ी संख्या 03008 स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार इस ट्रेन में आसानी से टिकट बुक कर सफर किया जा सकता है। गाड़ी संख्या 03007 हावड़ा खातीपुर स्पेशल 9 जून से 30 जून तक प्रत्येक रविवार को हावड़ा से 6 बजे खुलकर सोमवार को 3:25 पर पटना जंक्शन रुकते हुए मंगलवार को 1 बजे जयपुर के खातीपुरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03008 खातीपुरा हावड़ा स्पेशल ट्रेन 11 जून से 2 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को जयपुर के खातीपुरा से 5:30 पर खुलकर बुधवार को 2:05 पर पटना जंक्शन रुकते हुए 12:30 में हावड़ा पहुंचेगी। 25 सालों बाद वाम दलों का सूखा बिहार में खत्म, आरा काराकाट सीट पर माले की जीत। 25 साल बाद बिहार में वाम दलों का सूखा खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही लेफ्ट ने आरा और काराकाट लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। आरा में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने भाजपा के आर के सिंह को हरा कर जीत हासिल की, तो वहीं काराकाट के भाकपा माले के ही उम्मीदवार राजाराम सिंह ने पवन सिंह और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को पटकनी देकर अपना परचम लहराया है। बता दें कि काराकाट सीट के 2009 में अस्तित्व में आने के बाद से ही यहां एनडीए प्रत्याशी जीतते आए हैं, जबकि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ भाकपा माले विजय रही। तो वहीं आरा सीट पर माले को वर्ष 1989 के बाद यानी कि कुल 35 सालों के बाद इस सीट से कामयाबी मिली है। अदम्य साहस और इच्छा शक्ति अभी हमारे साथ, हार के बाद बोली पवन सिंह की पत्नी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआई माले उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा से 1,00,000 वोटों के अंतर से हार चुके हैं। उनकी हार के बाद एक तरफ जहां उनके समर्थक मायूस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि भले ही पवन सिंह चुनाव हार गए हों, मगर उनका हौसला कम नहीं हुआ है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी भी सब कुछ नहीं हारे हैं, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति अभी भी है।
जन सुराज बनने पर बिहार में नहीं बचेगा कोई और दल, प्रशांत किशोर का बयान। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मैं बिहार में कोई दल या मोर्चा बनाऊंगा तो बिहार में वही एक मोर्चा बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा कि एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने काम छोड़ा है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है। मैंने जीवन में जो भी काम किया है वो देश के सामने है, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ही क्यों, मैंने मोदी के लिए भी काम किया है, इसके अलावा 10 राज्यों में मैंने चुनाव जितवाए हैं। मैंने जो भी काम किया है वो डंके की चोट पर किए हैं, अपनी समझ और अपनी ज्ञान से किया है। तेजस्वी के साथ 250 सभाएं, फिर भी नहीं मिली वीआईपी को एक भी सीट। बिहार में इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं महागठबंधन का हिस्सा रहे वीआईपी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश की जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि INDIA के प्रति जनता से मिले सहयोग तथा समर्थन के लिए तहे दिल से आभार। वहीं उन्होंने NDA पर कसते हुए कहा कि बिहार और देश में मोदी का मैजिक नहीं चला, भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकल गई। नवादा से राजद प्रत्याशी के खिलाफ फैलाई जा रही झूठी अफवाह की कठोर कार्रवाई की मांग। सोशल मीडिया पर नवादा से राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुशवाहा नवादा से चुनाव हार गए हैं, वहीं उनके भाई पटना में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर श्रवण कुशवाहा के भाई की मौत की गलत अफवाह फैलाई जा रही है और साथ ही मृत शरीर को इलेक्शन की वजह से 3 दिनों तक बर्फ में रखवाने की बात भी कही जा रही है। अब इसे लेकर कुशवाहा ने गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों पर FIR दर्ज करवाने की बात कही है और उसके नाम से फेसबुक ID यूजर्स को भी ID बंद करने की सख्त हिदायत दी है। ऑफर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का तंज। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के पश्चात अब ऑफर का सियासत भी तेज हो गया है। RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने CM नीतीश को खुला ऑफर दे डाला है और कहा है कि CM नीतीश कुमार को कड़ा फैसला लेना चाहिए और BJP को रोकने के लिए उन्हें महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। तो वहीं अब RJD के इस ऑफर पर BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि 400 पार का नारा हमारा था, 231 सीट टुकड़े टुकड़े गैंग को आई है और BJP को अकेले 244 सीट मिले हैं। ऐसे में वो लोग तेजस्वी के लिए नीतीश को न्योता दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए यह ऑफर दिया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला आज, प्लेइंग 11 पर रहेगी सबकी नजर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का पहला मैच आज 5 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ खेला जाना है। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित के साथ ओपनिंग के लिए आज कौन उतरेगा। देर से आने की वजह से विराट कोहली भारतीय टीम की शुरुआती 3 अभ्यास सत्र और बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में शामिल नहीं हो पाए थे और बांग्लादेश के विरुद्ध अभ्यास मैच में रोहित के साथ यशस्वी की जगह संजू सैमसन ने ओपनिंग की थी। तो वहीं सोमवार को विराट अर्शदीप के साथ प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, जिसकी वजह से यह उम्मीद जताई जा रही है कि विराट और रोहित की जोड़ी ओपनिंग के लिए उतर सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है गोनर शर्मा, उमेश ऋषिदेव, पंकज कुमार, शंभू रजक, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, सुभाष प्रसाद, कमलेश कुमार, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनिल कुमार रजक, जीवनाथ मंडल, वेद प्रकाश, शैलेंद्र पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले बार से बिहार में BJP की कम सीटें आने के क्या कारण है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।